हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का टॉपिक। बिकॉज आई वाज अनेबल टू अपलोड अ वीडियो सिंस लास्ट थ्री मैच, बिकॉज आज का मैच, आज दो मैच खेला गया जो कि होने वाला था बिटवीन बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका का बीच में जो मैच रहा वो काफी शानदार रहा। साउथ अफ्रीकन टीम में आज वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि आज का जो सेकंड मैच खेला गया उसमें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में हाईएस्ट स्कोर रहा अब तक का वर्ल्ड कप का बीच में, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में तीन बैट्समैन ने सेंचुरी डाला जिसमें एडन मार्करम जो कि हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी गेटर रहा आईसीसी वर्ल्ड कप का इवेंट में, और इजीली ये मैच जीत लिया साउथ अफ्रीका ने। और बांग्लादेश ने भी ये मैच काफी शानदार रहा, हालांकि आई वॉज ये आज का मैच का जो फर्स्ट इवेंट है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बांग्लादेश ने काफी शानदार बैटिंग किया। मेहदी मिराज हुसैन जो कि क्या शानदार ऑलराउंडर है, ही हैज द एबिलिटी टू स्विंग अ बॉल, स्पिनर भी है, बॉलिंग भी काफी शानदार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग करता है तो विकेट नहीं मिलता है, हर एक मैच में कोई ना कोई विकेट जरूर लेता है। द थिंग इज दैट ही हैज द एबिलिटी, क्योंकि शकीबुल हसन अभी काफी एजेड हो गया, ही इज प्लेइंग हिज फिफ्थ कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप, अपना पांचवा वर्ल्ड कप खेलते हुए भी वो काफी शानदार प्रदर्शन किया शकीबुल हसन। हालांकि वो हमेशा से आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में ही रहा वर्ल्ड कप में, और बांग्लादेश के लिए सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहा शकीबुल हसन टिल नाउ। बट जो कि शकीबुल हसन का रिप्लेसमेंट कर सकता है वो है मेहदी हसन मिराज, ही हैज दैट मच ऑफ एबिलिटी। लेट मी कम टू द क्लोजर, उसका पास इतना एबिलिटी है कि वो कर सकता है। बट द थिंग इज दैट लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड मैच ऑफ टुडेस इवेंट। आज का जो सेकेंड मैच रहा ये मैच रहा बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। साउथ अफ्रीका का शानदार प्रदर्शन रहा।